वक्त का मामला है, यानी पहले उसमें पहले चार तकदीरें कही जाएंगी और लास्ट में फिर चार तकदीरें कही जाएंगी, समझे। इस तरतीब के बाद एक बार और सुन लीजिए, नियत की मैंने दो रकत नमाज ईद उल फित्र वाजी में से राय तकदीरों के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह काबे शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर सुबहाना पढ़ने के बाद फिर तीन तकदीरें कहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और तीसरी तकदीरा अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांध ले। उसके बाद इमाम किराद करेगा जो तरतीब बताई है, उसके बाद फिर दूसरी रकत की इकरार मुकम्मल होने के बाद इमाम के साथ आपको चार तकदीरें कहनी है। पहली तीन तकदीरों में हाथ उठाकर छोड़ने हैं और चौथी तकदीर में बिना हाथ उठाए अल्लाह हुआ कहते हुए रुकू में जाना है और बाकी नमाज हस्बे मामूल अदा करनी है। अस्सलाम ईद का है यारो ये पयाम, अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम ईद का है यारो ये पयाम, ये ईद का त्योहार है खुशियों का है त्योहार, ईद का त्योहार है खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है ये प्यार का पैगाम, मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक हाय मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक सभी को ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक सभी को ईद मुबारक। हो जो भी समझे प्यार को वो है सबका यार, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार। ओए ईद ते जब भी पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए, जब भी पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए, और तेरा मेरा झटके यारो सबनों गले लगाइए, कि मैं झूठ बोलिया और कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया। मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक।
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये पयाम, ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, न तेरा है न मेरा है, ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम, मुबारक ईद मुबारक।